सर, जिस तरह से कलबुर्गी गुलबर्गा एयरपोर्ट की जो इनॉग्रेशन की बात चल रही थी, कई सालों से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ से उड़ान भरेंगे, लेकिन फिलहाल 22 नवंबर को यहाँ से स्टार एयर की तरफ से फ्लाइट यहाँ पर उड़ान लैंडिंग कर रही है गुलबर्गा टू बेंगलुरु, बेंगलुरु टू गुलबर्गा। तो हमने ये देखा था कि हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कई बार मीटिंग बुलाई गई, यहाँ पर एमपी साहब के साथ भी मीटिंग की गई और कई आप लोगों की तरफ से भी प्रेशर बिल्ड किया गया था, तो क्या रोल आप लोगों ने निभाया सर? पहले से हमारा फर्स्ट डिमांड ये था कि यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी एयरपोर्ट आना चाहिए। आपको जब पुराने अगर माइंड रिकॉल करे तो आपको मालूम होना चाहिए एयरपोर्ट पहले वो हाईकोर्ट के पीछे एरिया में बने हुआ था, अमर जादू 50 एकड़ अभी जमीन के लिए खरीदा गया था, एक्वाइजिशन हुआ था, लेकिन पॉलिटिकल उसके क्या बोलते हैं इच्छा शक्ति डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन नहीं रहने की वजह से वो पर वहीं पेंडिंग पड़ गया। और नेक्स्ट हेडरपा 2008 में यहाँ पर जो फाउंडेशन रखे गए उसके बाद माइथास को ये लोग बनाने के लिए एग्रीमेंट बना लिया। माइथास क्या किया, वो ये पूरे जमीन एक कम बैंक में गिरवी रख के वो पैसे उठा लेके वो काम ही नहीं किया, ये बिल्कुल गैर कानूनी काम था। वो हम इसको अपोज करें, वो बड़े लेवल पे लाने के बाद वो लोगों कंप्लीट माइथास को इस अग्रीमेंट से बर्खास्त करके ये खुद बनाने का हमारे प्रेशर से ही ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने अपने आप जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि गलती तो हो चुकी थी, वो गलती को ये करने अभी हम खुद बनाएंगे बोल के KSIDC नोडल एजेंसी को दिए। और यहाँ पर फंडिंग्स जो क्वेश्चन आया तो स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से फंडिंग दिया और HKRD पे जो भी फंड आता वो डाइवर्ट करें। इसके बाद एक ट्रायल लैंडिंग हुआ, ट्रायल लैंडिंग हम DGCA से मालूम करें तो उनको पता ही नहीं था ये। जब फिर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाए, मीटिंग बुला के सर बताए आप तो ट्रायल लैंडिंग करें लेकिन जो लाइसेंस देने वाला है DGCA और ये आए उनको ही नहीं मालूम है, तो चौंक गए। और जब सीरियसली इन्वॉल्वमेंट हो गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम प्रेशर डाले ये सब करने के लिए, और RC जब अम्लान विश्वास थे यहाँ पर तो हमारा एयरपोर्ट का रनवे 1.76 किलोमीटर तक है, तो मैं जाके बहुत प्रेशर जब मैं ऑनर से करते था तो प्रेशर डाला तो बोला सर 3.26 अगर इंटरनेशनल लेवल रनवे बन गया तो आगे इंटरनेशनल लेवल पे आएगा कैसे, हम 5 साल का जब भी हम सोचते तो 5 साल 10 साल का आगे की सोचना चाहिए फैसिलिटी। तो उसने हमारा रिक्वेस्ट मानते हुए टेंडर भी फ्लोट करें बढ़िया, अभी हमारा 10th लॉन्गेस्ट रनवे बन गया है। और हमको एक डर और एक भी था, बिदर के रनवे बन चुका है, उनका हर्ष गुप्ताओं पर पीछे रहे जब टर्मिनल भी बनाए, अगर बिदर को अगर मान्यता दिया गया तो उनका एक कानून है कि 150 किलोमीटर दायरे में दूसरा एयरपोर्ट बनना नहीं चाहिए। तो हम चेम्बर को ये डर था अगर बिदर को मान्यता मिल गई तो हमारा एयरपोर्ट ख्वाब में ही रह जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए हम थोड़ा अपना टाइम देके बहुत प्रेशर वाले हम सबसे मिले सबसे, इवन सुरेश प्रभु जब सिविल एविएशन के मिनिस्टर थे पर्सनली उनको रोज एक ट्वीट करता था मैं इसके बारे में, तो उनको भी एक बार रिप्लाई आया नहीं आपको बहुत प्रेशर है, मैं DGCA को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि कलबुर्गी एयरपोर्ट के बारे में जो भी फैलाए सेम डे उसको विलेवारी करने का मैं ऑर्डर करता हूँ बोल के उनका कॉपी भी हमको भेजे। सो इस तरह से सबका मदद मिला है यहाँ पर, ये जो एयरपोर्ट बनने में मल्ले का जो खड़गे साहब का भी योगदान है, अब स्टेट गवर्नमेंट का योगदान है, सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान है, और सबसे बड़ी चीज हमारे नए MP उमेश यादव जी का पोते हैं। उमेश यादव जी तो मैं फर्स्ट डे से भी हमारा इतना प्रेशर था, जैसे ही उन MP का वोट लिए तो पहला जाके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जाके बैठ के वहाँ से मुझे फ़ोन करें साहब क्या स्टेटस है एयरपोर्ट का और क्या क्या होना चाहिए आप बात करो, तो मैं डायरेक्टर से पूरा उस दिन डिटेल बात किया मैं। तो इस तरह सबके यहाँ पर देन है नहीं बोल के नहीं, ये सब अपना टाइम देते हुए इम्पोर्टेंस देते हुए मिलते गए, अभी एयरपोर्ट बन चुका है उसको लाइसेंस भी दिया गया है, स्टार एयरलाइंस पे अपना ऑपरेशन 22 तारीख को ओपन कर रहा है। हमको एक डर था
पीएम आने के बाद ही हम ओपन करेंगे, अगर पीएम मार्च में आता हूँ मई में आता हूँ बोले तो जब तक पेंडिंग पड़ जाता तो मेरा आपको भी मेरे आप देखे होंगे पीएम तो आना चाहिए, हमको बहुत खुशी है ओपनिंग करने के लिए। अगर पीएम नहीं आ सके तो भी एक गवर्नमेंट एक स्टेप लेना कि इमिडिएट फंक्शनल होना। सर जिस तरह से एयरपोर्ट की तो अभी स्टार्ट होने जा रहा है एयरपोर्ट, इसके साथ साथ एक अहम सवाल यहाँ पर यह उठता है कि गुलबर्गा में बेरोजगारी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो ज्यादा है यहाँ पर, एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर फ्लाइट लैंडिंग स्टार्ट होने के बाद क्या इसमें फायदा होगा लोगों को? 100% मेरा चेंबर का एक्सपीरियंस मैं बताए तो ओरेकल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट फर्नांडो हमारे चेंबर को टाइम दिए थे, यूएसए से आए भी उन बेंगलुरु को, लेकिन यहाँ से एयर कनेक्टिव नहीं बोल के नहीं आ सकते। ये जीता जाता है एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से कंपनियां हैं जो आके यहाँ पर सर्वे करके अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री पॉलिसी कुछ राहत दिए उनको, एसीजेट से एसीजेट आंध्रा में अभी तेलंगाना में 66 एसीजेट काम कर रहे हैं, वैसे एसीजेट यहाँ पर ही परमिशन दिए तो 100% इंडस्ट्री बढ़ेंगे। जैसे इंडस्ट्री बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता ही है, जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो हर घर में खुशी से जीने का मौका मिलेगा सबको, वो हमारा फर्स्ट अहमियत रहेगा कि इंडस्ट्री बढ़े। और जैसे ही फ्लोटिंग होता है तो दूसरे बिजनेस भी बढ़ेंगे, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगा और कौन सा भी कारोबार जो भी है रियल एस्टेट बढ़ेगा, हर चीज़ से डेवलपमेंट एक ही तरफ से नहीं रहेगा। पैसे आने लगा, पैसे खर्च करने लोग आ गए तो एक ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम चाय वाला होटल और ऑटो से लेके आपको हाई लेवल तक भी आपको कस्टमर मिल जाएंगे, नो डाउट 100% तरक्की हो जाएगा। और जैसे तरक्की होगा तो अपना एक्सपेंशन सोचेगा, जैसे एक्सपेंस सोचेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही, सवाल ही नहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और एक ये हमारे एरिया हिचके रीजन डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सहूलत मिले जैसे। और एक चीज़ सर, गुलबर्गा एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं उस पर लैंग्वेजेस का जो इस्तेमाल किया गया है, हिंदी कन्नड़ और इंग्लिश और उर्दू, चार लैंग्वेजेस में वहाँ पर साइन बोर्ड बनाए गए थे, लेकिन वहाँ पर तीन लैंग्वेज में बोर्ड लगाया गया है। और जो उर्दू लैंग्वेज का जो बोर्ड था गुलबर्गा शहर में, जिसे आप भी जानते होंगे 50% से ज़्यादा लोग उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बाद बावजूद भी जो है ना वहाँ पर उर्दू बोर्ड बनाया गया है, बनाने के बाद उर्दू बोर्ड को लगाया नहीं गया, वहाँ पर निकाल कर फेंक दिया गया सर, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफें हो रही हैं जो उर्दू लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, वो लोग काफ़ी नाराज़ हैं इस बात से। तो आप भी देखे हैं सर वो उर्दू बोर्ड को जिस तरह से निकाल कर फेंका गया था, तो इसकी वजह क्या होगी सर, क्या कौन इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? नहीं, डिटेल में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, आप जब बोले तो मुझे मालूम पड़ रहा है, लेकिन हमारे बिजनेसमैन को ना जात है ना लैंग्वेज है कुछ भी नहीं है, हम सब एक हैं, कस्टमर जो भी आए उनसे डील करते हैं, सौदा करते हैं, इसमें आप कौन सा जात के हैं, आपको कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, खाली हम बाहर कंट्री को जाते हैं तो लैंग्वेज नहीं मालूम रहता तो भी हम इशारे पे बात करके बिजनेस करते हैं, हमको सब बराबर एक है। और मैं एक रिक्वेस्ट लेटर भी मैं ज्ञानेश्वर जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर लोकल के, उनको भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी डालें उर्दू बोर्ड, ऐसा कुछ ये नहीं कि सिर्फ सब लैंग्वेज रहना, ये नहीं रहना, जो यहाँ उर्दू बात करने वाला भी लोगों भी है और इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो तो आएगा और हिंदी तो राष्ट्रभाषा हो जाएगा, कन्नड़ जो है हमारे राज्य की भाषा हो जाएगा, हम रिक्वेस्ट करेंगे उर्दू का भी बोर्ड लगाएं कहीं ना कहीं, फिर उर्दू यहाँ पर है लोग बात करने वाले हैं, दिखने वाले शायद ज़्यादा नहीं होंगे फिर भी उनको दिल को कोई ठेस धक्का नहीं पहुँचना चाहिए, उनका भी एक अस्तित्व है, तो हम दरख्वास्त करते हैं कि वो भी बोर्ड लगाएं ना फेंके, लगाना चाहिए वो बोर्ड, हम चाहते हैं और सब आने दो इधर, सब आने दो, सब फ्लोटिंग होने दो, बिजनेस बढ़ने दो, जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो तरक्की तो हो जाएगी। ये मैं दरख्वास्त करता हूँ गवर्नमेंट से वो भी एक बोर्ड लगे। और फाइनली आप गुलबर्गा शहर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो एयरपोर्ट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह से आपने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ये एयरपोर्ट की जो सुविधा है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने से और भी कई कंपनीज यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हमको जो है ना लैंडिंग करने के लिए हमको सुविधा मिलेगी, तो आपको क्या लगता है यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
पूरे दुनिया में एयरपोर्ट बनने से नेशनल ज्योग्राफी में इसका एक स्थान बनेगा, एक स्टेटस बनेगा। एयरपोर्ट लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट निकाले तो हमारा नाम भी आएगा उसमें, तो कोई भी इधर आने जाने के लिए 100% हो जाएगा। मुझे एक एग्जांपल बताओ जो दूसरे कंट्री में हम लोग जाते हैं इंडियंस विदाउट, जहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है उस जगह को आप गए सो एक आदमी को मुझे बताओ, वो हट जाएगा। अब आगे मैप में जो एयरपोर्ट जितना है वो उस जगह कलबुर्गी गुलबर्गा का नाम भी आएगा, और जैसे नाम आएगा तो लोग आने के लिए सोचेंगे, जाने के लिए सोचेंगे, बिजनेस बढ़ाने के लिए भी सोचेंगे। ये होना चाहिए, हम 21st century में कदम रखे सो है, हम किसी तरफ से पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा संदेश यही है कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है हमारे लिए, कलबुर्गी लोगों के लिए, ये इसके उपयोग सब लें। और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मैं इन्विटेशन देता हूँ, आगे आपके जो भी बिजनेस जो एक्सपेंशन करने वाले हैं बिल्कुल गुलबर्गा के बारे में सोचें, क्यों गुलबर्गा के बारे में सोचें, यहाँ पर बहुत से अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उनके लिए। और दूसरा चीज़ कनेक्टिविटी, मुंबई हैदराबाद बेंगलोर सबके बीच में ही आता है, यहाँ रखने से तीनों जगह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तीनों जगह अपने सामान इजी जा सकते हैं। सब इंटरनेशनल हाईवे भी हमारे पास अभी गुजर के जा रहा है, 6 ट्रैक भी आ रहा है, ऐसा जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगा 100% सबके बिजनेस भी बढ़ेगा। और ये एक टर्निंग पॉइंट है कलबुर्गी के लिए, ये टर्निंग पॉइंट ऐसा है कि आने वाले दिनों में ये हमारे इंटरनेशनल मैप में गुलबर्गा जैसे अपेयर होगा तो टूरिस्ट भी बढ़ेंगे, तो हर चीज़ बढ़ेगा। जब जो लिविंग स्टाइल, लिविंग स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बढ़ेंगे आदमी का, तो उसका फैमिली ज़रा खुशी से रहेगा। 100% थैंक यू।